सरपंच तो कमीशन को हो रहा है, बात बताओ जो वीडियो लीक हो रही है जिसका मैं इतना साफ साफ बयान दिया है। आप या सेक्टर निकल पे उसके अंदर इसको गलती होगी, माफ नहीं होगी। ये तो मैं भाई आप क्यों नहीं कह रहे तो रहता हूँ, गलती है तो मैं उसके लिए कहीं भी गलती नहीं जी, जो बात आप थी ना गलती, कहीं भी गलती नहीं जी। सुनो जी अर्जुन जी, देखो एक चीज सब न माननी पड़ेगी, प्रधान जी का फैसला सर्वोपरि हो, बताओ मंजूर से बोलो जी प्रधान जी का। देखो भाई इसलिए कहा कि सरपंच निर्दोषी है, उसे गरीब जमानी नहीं है, निर्दोषी बताया पंचायत भाई छह गांव सरपंच है। अब इनकी चिट्ठी डायरेक्ट सीएम के चालू हो कि जाके इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये मामला ये था कि ग्राम पंचायत मोड़ी की कमेटी प्रिंसिपल से मिला, इन्हें चोर और गलत बताया, पैसे लेते हैं पंचायत मांगा फलार से दखड़ से। इसके विरोध में प्रिंसिपल ने और लड़कियों को भी और बच्चों को भी इसने गलत शब्द यूज करे, कमेटी को भी गलत शब्द यूज करे, इसके बारे में मिल के ये था कि हाँ इसका तबादला कर दिया जाए और जो ये शब्द गलत बोल रहा था ये गाँव के बीच में माफी मांगे। तो उसके बाद बीओ साहब ने तबादला के तो कह दिया गया, इसने छह गांव पंचायत इकट्ठी हुई थी इनका फैसला नहीं, इसने इनकार कर दिया, प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, गोल मोल में कह के चला गया निवल आजम के मूछ का बाड़ बना रहे हो। अगर जो ये पूरे 10,000 आदमियों का जो प्रतिनिधि है अगर उसको गलत बोलता है तो 10,000 मोदी के गांव को बोलेंगे, एक लिए मोदी नहीं रही। अब छह गांव पर छोड़ दिया गया था, छह गांव का मैं अध्यक्ष बनाया गया, हमने ये फैसला किया गया कि प्रिंसिपल आके यहाँ माफ़ी मांगे सबके बीच में, प्रिंसिपल ने कोई ठीक प्रकार से इसने माफ़ी नहीं मांगी। हमने ये फैसला करा कि सीएम साहब से या शिक्षा मंत्री से चंडीगढ़ जाके मिलेंगे और इसके बारे में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दायर करेंगे। आज जो ग्रामवासी मोड़ी स्कूल के सामने जो इकट्ठे हुए हैं, जो प्रिंसिपल हैं उनके शिकायत के रिगार्डिंग हुए हैं, वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो दूसरी जगह या तो डेपुट हो जाए या उनकी ट्रांसफर। प्रिंसिपल ने सरपंच के ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो स्टाफ है उसकी सैलरी से पैसा मांग रहे हैं, तो उसके जो ग्रामवासी हैं उनको इस बात को लेकर रोष है। दूसरा जो स्कूल के अनुशासन को लेकर है तो लिखित में इन्होंने दिया है, तो जो भी विभागीय कार्रवाई होगी आगे हम वो करेंगे। अभी हम जांच करेंगे कि एक विभागीय प्रोसीजर है, अभी मैं अपने उस अधिकारियों को लिखूंगी, विभाग जो भी कार्रवाई करेगा विभागीय कार्रवाई। मामला सारा स्कूल की साफ सफाई का था और पिछले कई दिन से हम प्रिंसिपल सर को बोल रहे हैं और अधिकारियों को बता रखा साफ सफाई स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है। शनिवार को हमारे पूरे गांव की पंचायत स्कूल में आई तो उस टाइम प्रिंसिपल महोदय ने हमारी पूरी पंचायत पे इल्जाम लगा दिया कि सरपंच पूरे स्टाफ से सैलरी का हिस्सा मांगता है। क्या ये पॉसिबल है कि सरपंच किसी स्टाफ से सैलरी ले सकता है, सैलरी सीधे अकाउंट में जाती है, तो ये किस प्रकार का उन्होंने इल्जाम लगाया है। अब बोल रहा है कि मैं ये कोई गलती से कह दी, लेकिन अच्छी तरह से माफी उसने अब भी नहीं मांगी है। पूरे गांव का और आसपास के गांव से जितने भी बच्चे आते हैं उनके भी सरपंच आए हुए हैं और उनका सभी का यही फैसला है कि इस प्रिंसिपल को इस स्कूल में नहीं रहने दिया जाएगा, प्रिंसिपल चाहे और कोई भी आओ, और जो भी आए प्रिंसिपल है वो ये ध्यान में रखे मोड़ी में आए तो काम करे, सीधी बात है, स्कूल के प्रति अपना सजग रहे।